नमस्ते मित्रों, आज हम आए हैं नवसारी से 18 किलोमीटर दूर दांडी बीच के पास, जहाँ पे महात्मा गांधी जी ने नमक के सत्याग्रह से शुरुआत की थी। तो चलिए आज हम दांडी बीच का वर्चुअल व्यू करते हैं। हम इवनिंग के समय पे यहाँ पहुँचे थे, सनसेट के जस्ट बिफोर थोड़ा समय था सनसेट में, और संक्रांत का दूसरा दिन था यानी 15 जनवरी को हम यहाँ पे थे। सो काफ़ी छुट्टी का माहौल होता है गुजरात में, इस बीच के ऊपर काफ़ी लोग आए थे। इस बीच पे मेरे साथ मेरा फ्रेंड नितेश खत्री और मेरे कज़िन जगदीश भाई सोलंकी भी थे। आइए हम देखते हैं कि बीच कितना विशाल और विराट है। इस तरफ मून था, मून से वाइड एंगल में दांडी बीच के किनारे पे वृक्ष है, वहाँ पे कैमल की राइड्स भी होती है, इलेक्ट्रिक मोटर्स पे भी बच्चों को बिठाते हैं, और सनसेट का समय है। हमारे शेडो भी देखिए कितने लंबे दिख रहे हैं, और ये पूरा एक राउंड पैनिंग करके हम देखते हैं कि बीच कितना विशाल है। बहुत ही बड़ा बीच है ये। समुद्र की जो रेती है वो काफ़ी नरम और पानी के पास काफ़ी ठोस भी है, इतनी ठोस है कि वहाँ पे गाड़ियाँ भी चल सकती है। और छुट्टियों के दिन होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी सैलानी भी आते हैं। पूरा एक खुला आसमान और विशाल समुद्र। संक्रांति होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी लोग पतंग चगा रहे हैं, खुली जगह में पतंग उड़ाने की मज़ा अपनी और ही है। ये जो व्यू है समुद्र का, काफ़ी दूर तक पानी अंदर तक था। सनसेट का समय, ब्यूटीफुल सनसेट हो रहा है। सभी फोटोग्राफी और इस इवनिंग को कैप्चर करने में बिजी है। मोस्ट ऑफ द पीपल मोबाइल में, और कुछ जो बच्चों के साथ है तो बच्चों के साथ खेलने में बिजी है। सूर्यास्त के समय का ये मनोहर दृश्य, और इसी के साथ मैं मेरा ये वीडियो यहाँ एंड करता हूँ। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, इसे लाइक एंड सब्सक्राइब भी करना मेरे चैनल को, एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करना। बाय, गुड बाय।